गए। सलाम की आंख देते उसे तूफान कहते हैं, सलाम तो बड़ा उतर जाते से सहता का पत्ता पलट जाए, एक का पत्ता पलट जाए। ठाकुर भूपेंद्र सिंह का फरमान है, अरे सांसद मस्ती हो जाता है मेरा सर पर था 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 सरकार था। तुम्हें मालूम होना चाहिए बनारस जिला कस्बा शानपुर का मेरा कस्बा है। कहने का मतलब मैं शानपुर का जमींदार नहीं बल्कि ठाकुर चंचल भोपेंद्र सिंह ठाकुर के भोपेंद्र सिंह ठाकुर के मस्तिष्क में जितनी लकीरें नहीं उससे ज्यादा तकबीर इस हमारी रियासत रियासत चारपुर में मेरे नाम से दहशत। कहने का मतलब कोई परिंदा अगर पल हिलना चाहता है तो मेरा चारपुर कस्बा में प्रकोप छाया हुआ है। अगर कोई आदमी उड़ाने की कोशिश करता है तो उसके लिए सजा। आज मैं क्या देख रहा हूँ, चौपाल में नहीं तो कोई नौका ना तो कोई कर्मचारी दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब जहाँ हमारे कर्मचारी है सब बड़ी लापरवाही से काम करते हैं। अरे नौका मुकेश तोड़ दू, आलू के पापड़ बने मुकेश तोड़ दू, ससुराल में ताली चुपाने से छोड़ दू। मोहनो चवा उल्लू के पट्टे मालिक, आलू के पापड़ बने मुकेश तोड़ दू, बहुत अच्छी बात है। और ससुराल में अगर साली चुम्मा नहीं ससुराल छोड़ दू। क्या ढूंढ रहे हैं भैया? स्त्री हो या पुरुष, जेंट्स हो और जेंट्स के कहीं बच्चे था? हो गया रे, यहाँ आओ। तैयार हो जाओ मरने के लिए। मालिक गोली मार रहे हो, मालिक तुम हमारे भले गोली निकाल रहे हो। उल्लू के पट्टे जाहिर कहीं जा, साले कितने उल्लू के पट्टे हो? ठोक नौका, पहले मेरी बात अपने कान में डालो। इधर आओ, तुम साले हमारे कौन हो? हमारे नौकर हो? मैं नौकरी किस बात की देता हूँ रे? काम करवाई यहाँ चौपाल के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ? ये ऐसा
बाजी का वो कहाँ है? कुंज बिहारी जी नाला। वो आते होंगे, देखो चलते होंगे। कितना टाइम हो गया रे? साले बैठे कहीं के, कितना टाइम हो गया? साढ़े आठ बज चुके हैं ना। और बिहारी जी का चौपाल में आने का समय क्या है? मैं नाइट समय पूछ रहा हूँ रे, कहने का मतलब 8 बजे का टाइम है कुंज बिहारी लाला मुनीम का चौपाल के अंदर आने का। आज 9:15 बज चुका है, अभी तक मुनीम जी चौपाल में नहीं आए। आज हम खुद स्वयं चल के देखते हैं लाला मुनीम जी कहाँ है। आ चलो चलते हैं। हमारा ही नाम है लाला लाल बिहारी। आज चलते हैं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है और मालिक से मुलाकात करेंगे क्योंकि आज लेट हो रहा हूं। मालिक बहुत गुस्से में होंगे। चलता हूं। और दुनिया वालों, और दुनिया वालों, ये लाला की चाल देखना। दुनिया वालों, ये लाला की चाल देखना। कहने का मतलब लाला कुंज बिहारी जी आज झोपड़ी में भी नहीं है, इसके कहने का मतलब अपने चौपाल की तरफ आ रहे हैं। मेरी बात सुनाओ, तुम साले बीच में नहीं बोलोगे, पहले आ रहे तो लाला मुनीम को हम देखो कितना डांटते हैं। हम तब तक अंदर बैठे हैं। मालिक हमारे लिए क्या हुक्म है? मालिक मुनीम कुंज बिहारी जी, तुम्हारी राम राम मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मालिक क्या पूछना चाहते हो? क्या है
चौपाल लेकर बड़ी चौपाल में एक ले डाले हो। मैं मकसद को जानना चाहता हूँ। मालिक राम जाने मालिक मालिक आज लेट आने का कारण क्योंकि हमारे जो बीबी है उसके बच्ची का जन्म हुआ है। हाँ मालिक क्योंकि इस वृद्धावस्था में हमारे वाइफ के बच्ची के जन्म हुआ है। क्या प्रेम जी? हाँ मालिक आपसे सच बता रहा हूँ। 85 साल उम्र गुजर जाने के बाद आज तुम्हारे घर में एक बच्ची का जन्म हुआ है। हाँ मालिक साले तुझे जब हंसने की तमीज नहीं है इधर आओ। मैं किस लिए हंस रहे हैं लाला? बुरे बिहारी की उम्र 85 साल की हो चुकी। एक खुशखबरी इन्होंने बताया है, इनके घर में आज एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ है। अरे साले इनके नहीं इनके घर वाली के रहे। अच्छा तो तुम फिर बहुत ऊंचे हो बिहारी जी। खैर तुम्हारे कहने का मकसद ठीक है, लेकिन 85 साल की उम्र गुजर जाने के बाद अगर बच्चों के विषय में सोचोगे तो बच्चा बच्ची नहीं क्या बच्चा पैदा होगा? मालिक राम जाने क्योंकि हमारे कोई संतान भी नहीं थी और उस वृद्धावस्था में पहली बात एक बच्ची का जन्म हुआ है तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? सही कहते हैं। मुझे आने में लेट हो गया मालिक। खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हारी गुस्ताखी को माफ करते हैं। साथ साथ में हम तुम्हें एक खुशखबरी बताना चाहते हैं। कौन सी खुशखबरी मालिक? परसों मतलब कहने का कल दिन कल रात छोड़ करके परसों रात में हमारे घर में ठकवायर के एक सुंदर लाल पैदा हुआ है। कहने का मतलब सुंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। मुन्ने का जन्म हुआ है। जी हाँ राम जाने। और इस जन्म जन्म के साथ हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो मालिक? शायद तुम नहीं जानते हो एक बनारस शहर में मेरा दोस्त रहता है। जी हाँ वो मेरा दोस्त है, उसका नाम है ठाकुर समर सिंह। चले जाओ ठाकुर समर सिंह जी हमारे पे और कह देगा तुम्हें तुम्हारे दोस्त भूपेंद्र सिंह मतलब कहने का चांदपुर जमींदारी ने बुलाए हैं। हम अपने बच्चे की खुशी में अपने दोस्त को अपने चौपाल में बुलाएंगे, उसका कुछ जलपान कराएंगे, कहने का मतलब मीठा खिलाएंगे क्योंकि घर में बच्चे का जन्म हुआ है ना। हाँ मालिक तत्काल तुम चले जाओ। मालिक देर नहीं लगाओ और नहीं देर पल की ये मालिक बिहारी जी और हथेली लगाओ नहीं वक्त ज्यादा दोस्त शमर सिंह जब हमारे हमारे बच्चे की खुशी को सुनेगा तो फूल के बिल्कुल बबूला हो जाएगा क्योंकि तू तो जानता है हमारा वो दोस्त नहीं बल्कि जिगर का टुकड़ा है।
और कारनामे उसके कैसे हैं। अगर तुम साले हमारी हमारी चौपाल में मतलब कहने का अपनी चौपाल में कोई प्रतिनिधि किया तो वो और कुछ नहीं करता है, वो और कुछ नहीं करता है, उसकी सजा समझ लो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बीच में साले अगर कोई छुदर बुदर किया तो समझ लो तुम्हारी मौत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा वो खोखार इंसान है। पढ़ाओ पैगाम अपने दोस्त शबर सिंह का इंतजार। हाँ दोस्तों, अब देखिए बड़े बड़े का दोस्त समर सिंह आपके सामने पेश हो रहे हैं तीसरे सीट पे। दोस्तों शांति बना रखे हो, देखो सामने शायद आप लोग हमसे परिचित नहीं होंगे। मैं ग्राम बनारस और जिला बनारस का रहने वाला हूँ। हमारा नाम है समर सिंह। समर सिंह को बना है जिस धरती से गुजरता है वो अपनी धरती सांस लेने बंद कर देती है। लेकिन आज क्या देख रहा हूँ, चौपाल में ना कोई नौकर ना द्वारपाल, तो घर को भाग लो, जंगल में फेर कर जाए तो घर को भाग लो, और रास्ते में कुतिया भोंकर चूतन का क्या कह रहे हो रे। जंगल में फेर कर जाए तो घर को भाग लो, और रास्ते में कुतिया भोंकर चूतन। हराम खुश साले, ये तेरी कौन सी बहादुरी हुई रे। अच्छा, हम साले 30 जूते निकाल कर मारेंगे हराम खोर। अरे नौकर, तुम साले हमारे नाम से वाकिफ हो लेकिन हमारे काम से नहीं। जिस दिन हमारे काम से वाकिफ हो जाओगे सारी दुनिया की तरह सर हमारे कदमों में झुकाओगे। नौकर हराम खोर साले, इतने जूते निकाल कर तुम्हारे मारेंगे तो तुम्हारे साले बोलने की तमीज तुम्हें आ जाएगी। और चरण कमल में आपके आज आपके पास में लाला राम आया हुआ है। लाला
आज बहुत दिनों के बाद हमारी हवेली पे कौन सी बात हो गई जो तुम हमारी हवेली पे आ गए? जरूर बताऊंगा। और आज आपके पास में को बुला करके हमें मिलाओ, इसीलिए आपके पास आना हुआ है और मतलब बुलाने के लिए। अरे लाला कुंज बिहारी, ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया? लाला कुंज बिहारी जरूर जरूर है बताऊंगा। आज खुशी का हमारे ठिकाना नहीं, क्योंकि मालिक के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसी की खुशी में आपको मालिक ने हमें भी बुलाया है। तो यार बहुत अच्छी बात है, चलो फिर देर एक पंक्ति नहीं लगानी चाहिए, मेरे यार हमारे और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं, फर्क इतना है तुम तो कस्बा शहर बनारस में रहते हो, मैं तुम्हारे बनारस शहर कस्बे चांदपुर में रहता हूँ। सही कह रहे हो मेरे यार, लेकिन क्या कुछ कहना चाहते हो दोस्तों? भाई बोलो, सारे बात तुमसे कहना चाहता हूँ। अरे इतनी जरूरत थी तो फोन करके बुला लिया होता। आपने इस लाला कुंज बिहारी को हमारी हवेली तक भेज दिया। मेरा दोस्त,
हमारे कहने का मतलब दोस्त बन, अगर ऐसी कोई बात थी तो खोल से बता देते। क्या हो गई और मेरे दोस्त बन जो जबरदस्ती को है ये बुलाया गया और खुशी का है नजारा अरे चारों तरफ क्यों हवेली को इतना सजाया गया। ध्यान दे कर सुनो मेरी बात। सब आप कितने अच्छे हैं मेरे दोस्त बन। और मेरे दोस्त बन आपकी दोस्ती पे चार कुर्बान कर दूंगा भाई। दोस्त बन चाहत टुकड़ा पसीना गिरे खून अपना वहां पे एक बच्चे का मैं बहुत भारी खुशी बनाना चाहता हूँ। घर में बच्चे का मेरे और जन्म मैं खिलाया इसी से कहो मेरे यार तुम्हें नहीं मालूम परसों परसों 13 तारीख दिन बुधवार को हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। कहा बच्चे का जन्म हुआ जी हाँ। ये तो खुशी की बात है मेरे दोस्त तो इसी बात पर क्यों ना जश्न हो जाए। क्यों नहीं मेरे दोस्त तुमसे साले सारी बात हर बात बतानी पड़ती है। मैंने तुमसे कहा था मेरा दोस्त समर सिंह जब हमेली में प्रवेश हो तो कोई वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम साले खड़े लेने का हुआ कि जैसे ताक रहे हो फिर वही बात बतानी चल पड़ेगी। साले मेरे कमरे में चले जाओ मेरे कमरे में चले जाओ। दाहिने साइड में अलमारी है अलमारी पर नीली चादर ढकी होगी। चादर उठा के देखा देखना उसमें बहुत से पौवे अद्धे लगे हुए हैं। जाओ इंग्लिश का अद्धा लेके आओ। होरे, 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 हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी थी रे? क्या दुश्मनी थी साले? बस साले ये बताओ तूने अद्धा हमारे क्यों मारा रे?